हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो हम बायोलॉजिकल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में लेकर के आए हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स या हमारे पास इन सिलिको मेथड हैं जिससे हम बायोलॉजिकल नेटवर्क की स्टडी और एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम बायोलॉजिकल नेटवर्क को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया है उसके विजुअलाइजेशन के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल नेटवर्क होते क्या हैं। तो देखिए, जो हमारा लिविंग सिस्टम है या हमारी जो बॉडी है उसमें कई तरीके के पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। एक सिंगल सेल जो बैक्टीरिया है या आर्किया है या हम कह सकते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक ही सेल के अंदर भी कई सारे नेटवर्क पाए जाते हैं। जैसे उनके सेल में पाए जाने वाले कई सारे प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक उनके आपस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम एक नेटवर्क के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो यही नेटवर्किंग है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है या उनमें क्या आपस में किस तरीके से सिमिलैरिटी है या किस तरीके से वो एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं, यही हमारा बायोलॉजिकल नेटवर्क है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो एक सीधा नहीं कि हम यहाँ से यहाँ तक हमें कोई चीज़ बनानी है तो एक सीधे प्रोसेस से बन जाते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस, या आप मान लीजिए कि कोई भी एक ग्लाइकोलिसिस एक तरीके का हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल जो ग्लाइकोलिसिस के कंपोनेंट हैं वो आपस में किसी दूसरे पाथवे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कि जो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होने वाला जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है वो किसी और पाथवे में जाके कुछ और भी बना रहा हो, ठीक है। तो ये सारे पाथवे भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में चलते हैं। तो यही लिखा है कि बायोलॉजिकल नेटवर्क किस लिए यूज़ होता है, टू स्टडी द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें समझना होता है बायोलॉजिकल नेटवर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल नेटवर्क हमारी बॉडी में चलते हैं या पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क हैं लेकिन उसमें से कुछ हम यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। सारे के सारे नेटवर्क जो हमारी बॉडी में चलते हैं या किसी सेल में चलते हैं उनको बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हम यहाँ आपको समझाने के लिए लेकर के आए। जैसे प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क, कई सारे प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो एंजाइम हमारे कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन इंटरेक्शन लिविंग सिस्टम में देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिक नेटवर्क होता है, ट्रांसक्रिप्शनल नेटवर्क होता है, सेल सिग्नलिंग का नेटवर्क होता है, जीन रेगुलेटरी नेटवर्क होता है। जीन रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोटीन है वो जैसे किसी जीन ने कोई प्रोटीन बना दिया तो वो किस तरीके से दूसरे जीन को रेगुलेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है किसी पाथवे को कि डाउन एक्टिवेट कर रहा है, यही सब जीन रेगुलेशन होता है। इकोलॉजिकल नेटवर्क होते हैं, जो इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से इकोलॉजिकल जो स्पीशीज़ है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, कि हमारा इकोलॉजिकल नेटवर्क में आ जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे बायोलॉजिकल नेटवर्क के। अब जो हमें बायोलॉजिकल नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या होता है, इसकी स्टडी क्यों की जाती है, टू फाइंड डिजीज़ कॉजिंग जीन्स को फाइंड करने के लिए हम बायोलॉजिकल नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि कौन सा जीन है। कोई एक पर्टिकुलर हमारा कोई प्रोटीन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो किस जीन का प्रोडक्ट है, ये सब हम पता लगा सकते हैं किस तरीके से, बायोलॉजिकल नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन से। इसके अलावा कोई भी ड्रग हमने बनाई है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी समझने के लिए हमें बायोलॉजिकल नेटवर्क की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, बायोलॉजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है या उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन्स हैं कुछ बायोलॉजिकल नेटवर्क के। उसके बाद देखते हैं हम कि
टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल नेटवर्क। तो टूल्स देखने से पहले हम देखेंगे कि हम बायोलॉजिकल नेटवर्क को किस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम बायोलॉजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो प्रोटीन है उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए मान लीजिए हम ईस्ट टू हाइब्रिड कर दें या एफिनिटी प्यूरिफिकेशन कर दें, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कर दें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर दें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को देखने के लिए हैं, या दो अलग अलग जो प्रोटीन है या कोई एंजाइम है उसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से पहली बात तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन टूल्स भी होते हैं। जो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा सेट्स जो हैं, उनके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे बायोलॉजिकल नेटवर्क को। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी एक डाइकॉट प्लांट है या रेबिडोप्सिस है, उसके हमें बायोलॉजिकल नेटवर्क्स पता हैं, या कोई मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिविंग सेल है उसके हमें बायोलॉजिकल नेटवर्क्स पता है, या किसी यूकैरियोटिक सेल के बायोलॉजिकल नेटवर्क पता है, तो उसके सिमिलर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे हम मान लेंगे कि उसमें भी सेम उसी तरीके के बायोलॉजिकल नेटवर्क चल रहे होंगे। उसमें कोई अगर प्रोटीन है तो वो दूसरी प्रोटीन के साथ वैसे ही इंट्रैक्ट कर रहा होगा जैसे इसके पहले वाली स्पीशीज़ में कर रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डेटा सेट में हमारे सिस्टम में या जो भी हमारा डेटा बेस है उसमें अवेलेबल है। तो पहले से जो इन्फॉर्मेशन फीड है उसके बेसिस पे अगर हम किसी नई स्पीशीज़ को रिलेट कर रहे हैं या उसके बायोलॉजिकल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या इंट्रैक्शन को बता रहे हैं, तो ये कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ पे बेस होता है, सिमिलर प्रोटीन शो सिमिलर इंट्रैक्शन इन रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन, जो बायोइन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर्स या डेटाबेस की मदद से किए जाते हैं। इसके अलावा लिटरेचर सर्वे, मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटेशनल मेथड में कुछ नए लिटरेचर्स के डेटा अभी नहीं डाले गए हैं, तो मान लीजिए कोई रीसेंट पेपर में कोई फाइंडिंग बताई गई है, कोई बायोलॉजिकल नेटवर्क का कोई नया कंपोनेंट बताया गया है, तो हम वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब लिटरेचर सर्वे भी एक दूसरा मेथड है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का, या नेटवर्क को बनाने का लिटरेचर सर्वे भी एक मेथड है। तो रीसेंट लिटरेचर और पब्लिकेशन कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई सम न्यू कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल नेटवर्क, क्योंकि हमें लिटरेचर सर्वे से कुछ नए कंपोनेंट पता चल जाएंगे बायोलॉजिकल नेटवर्क के, या कुछ नई एनालिसिस जो हुई होगी वो पता चल जाएगी, या कुछ इंट्रैक्शन एनालिसिस हुई होगी, स्टडी हुई होगी वो पता चल जाएगी। तो ये तीन मेथड है आइडेंटिफिकेशन के, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी बायोलॉजिकल नेटवर्क जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। अब देखिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास, टूल्स फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन और विजुअलाइजेशन के ये हमने पांच यहाँ पर टूल बताए हुए हैं। पहला पाथवे स्टूडियो हो गया, साइटोस्केप हो गया, ऑस्प्रे, पैटिका और विस एंड, मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ जो भी हमारे इंट्रैक्टिंग प्रोटीन है वो, उसका हमें इन पांचों मेथड से हम किसी भी बायोलॉजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई या विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये टूल्स हो गए विजुअलाइजेशन के, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी दो या तीन जितना आपको याद हो पाए याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इजी ही मैंने यहाँ लिखे हैं, जो इजीली आपको याद हो जाए तो ये इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमें विजुअलाइजेशन के टूल्स तो समझ में आ गए, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेटवर्क के डेटा बेसिस हैं उनको कैसे एनालाइज करेंगे, तो नेटवर्क एनालिसिस डेटाबेस के कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिसमें से काफ़ी कुछ आपको पता होगा। तो नेटवर्क एनालिसिस में ट्रांसफैक हो गया, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के आपस में रिलेशनशिप को बताएगा। डीआईपी हो गया, डेटाबेस ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें पहले से कुछ प्रोटीन्स जो आपस में इंटरेक्ट करती उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम अपनी स्टडी को उससे रिलेट करके देख सकते हैं। सीओजी क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस ग्रुप एक डेटाबेस है, जीओजी ऑन्टोलॉजी डेटाबेस है, ठीक है। तो जीन ऑन्टोलॉजी डेटाबेस में क्या होता है, जो रेगुलेटेड जीन होते हैं उनको हम किसी कलर से दिखा देंगे। मान लीजिए जो अपरेगुलेटेड जीन है उनको हमने ग्रीन कलर से दिखा दिया, अपरेगुलेटेड जीन को हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया, और जो डाउन रेगुलेटेड जीन होते हैं या जो जिनका एक्सप्रेशन कम होता है उनको हम रेड कलर से शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो देखने पे हमें पता चल जाएगा कि क्या उस नेटवर्क में कौन से या किसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन से जीन ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं, कौन से कम एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जीन ऑन्टोलॉजी का हमें एक आइडिया मिल जाएगा, या एक तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं जो पहले से उसमें डेटाबेस में डाले गए हैं,
केईजीजी में देखिए पाथवे डेटाबेस है, जिसमें हमें डिफरेंट पाथवे में जो भी प्रोटीन्स हैं या हमारे कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो किस तरीके से कौन सा किसको फॉर्म कर रहा है, किस तरीके से पाथवे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये हम केईजीजी के पाथवे को एनालिसिस करके समझ सकते हैं। फिर रिएक्टोम एक डेटाबेस है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने के लिए, इसको आप चेक कर लीजिएगा। जब जैसे ये सारे डेटाबेसेस जो मैंने नाम लिखे हुए हैं इसको आप देखिएगा तो आपको इंट्रैक्शन दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट के बीच में। इस तरह से बायोवर्ड्स है जो प्रोटीओम एनोटेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे जो डेटाबेस है ये एनालिसिस के लिए हैं, नेटवर्क एनालिसिस के डेटाबेस है। और आइडेंटिफिकेशन या विजुअलाइजेशन के लिए जो है वो हमें इधर बताए हुए हैं, 5 जो बताए थे इसको आप देख लीजिएगा। बस इतना याद कर लीजिए बायोलॉजिकल नेटवर्क में, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में नोट्स अवेलेबल करवाने के लिए। बाकी आपके पास अगर खुद के बने हुए नोट्स अगर हैं जो आपको याद हो गए तो आप वहाँ से भी उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अब कल बनाएंगे, जो आप लोगों ने डिमांड की है। तो नेक्स्ट 2 या 3 टॉपिक कल बनाएंगे, फिर 1-2 टॉपिक परसों भी टाइम है हमारे पास तो हम बना लेंगे। तो आज आप लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए जो हमने लिपिंस्की रूल बताया है और ये बायोलॉजिकल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।